मैं हूं आफ्ताब हाशमी और आप देख रहे हैं जोया न्यूज 24 खबर सच्ची सबसे तेज। आज हम बात करेंगे ग्राम मातीपुर जिसका विकास खंड है असमोली, विधानसभा असमोली जिला संभल, वहां के एक वीडियो क्लिप आपको दिखाएंगे। उससे पहले आपको जानकारी बता दें, ग्राम प्रधान सेवक हो जो बनाए जाते हैं वो ग्राम की सेवा के लिए बनाए जाते हैं, और प्रधान सेवक का कार्य रहता है ग्राम में सफाई की व्यवस्था कराना, गंदगी को भगाना, जो ग्रामीण लोग होते हैं उन्हें आवाज दिलाने का प्रयास करना। कोई भी प्रधान अपने पास से पैसा नहीं देता, सब सरकार ही उसे योजना को पहुंचाती है गांव-गांव तक। ऐसी योजनाएं चली है प्रधानमंत्री आवास योजना, माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का सपना है कि गांव का कोई भी गरीब व्यक्ति जिसकी झोपड़पट्टी डली है, छत नहीं है सही उसकी, उसे आवास दिया जा रहा है ताकि उसका पक्का मकान हो सके गरीब का। ऐसी एक तस्वीर सामने आई है जहां उनकी महिला विकलांग है और उनके पति जो हैं वो कमाने में असमर्थ हैं, उनके बच्चों का पालन पोषण भी बड़ी मुश्किल से हो रहा है, ऊपर छत डली है पन्नी की लकड़ी की पटलों की। आखिर ऐसे लोगों को वंचित क्यों रखा जाता है जो असमर्थ है कमाने में, अपना मकान बनाने में, आखिर उन्हें आवास क्यों नहीं दिया जाता? कहीं ना कहीं कमी या तो कोई निधि में रह गई हो, या विधायक निधि भी काम नहीं करी वहां, या फिर सांसद निधि ने भी वहां काम नहीं किया, या प्रधान के द्वारा जो सहायता होती है वहां सहायता क्यों नहीं दी गई? आखिर ये वजह क्या रही है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन जो लाभार्थी इस लाभ के लायक है उसे आवास मिलना ही चाहिए। तो दोस्तों, देर किस बात की, आपको दिखाते हैं सच्चाई हमारे संवाददाता, जुड़े हैं हमसे, दिखाएंगे कि आखिर वजह क्या थी। तो लेकर चलते हैं आपको वीडियो की। हम आ चुके हैं ग्राम मातीपुर पोस्ट मरोटा ब्लॉक असमोली जिला संभल। देखते हैं यहाँ पे एक सलमा जी हैं, इनकी बहुत शिकायत आती है, आज तक पहले फोन किए थे इन्होंने कि हमारे घर पर आओ, हमारी कंप्लेन करो, हमारा शिकायत देखो, हमारा मकान दिखाओ सरकार को। देखते हैं इन्हें क्या क्या परेशानी है। हाँ जी, क्या नाम है आपका? सलमा। क्या क्या परेशानी है आपको? हमें यही परेशानी है, बहुत टाइम से हम पन्नी में जा रहे हैं, हमारा घर न बना। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपका कोई कॉलोनी वगैरह मकान वगैरह नहीं बन पाया अभी तक? कोई ना, कोई ना बना, आज तक हमारी कोई सुनवाई ना हुई। जैसे कि पिंकी यादव जी 3 दफे विधायक बन चुकी हैं, आप मौजूदा सांसद डॉक्टर शफीक रहमान बद जी हैं, या पूर्व प्रधान भी थे या अभी प्रधान है, इनकी थ्रू आज तक कोई आपका मकान बना नहीं बन पाया? आज तक कोई मकान ना बना, हमारी सुनवाई ना हुई आज तक भी। हमने कई जगह वो करवाई, हमारी ना सुनवाई हुई कहीं भी। ये मौजूदा हालात में विकलांग हैं, काफी टाइम से ऐसा लगता है कि 20-25 साल से विकलांग हैं, गरीब काफी लोग हैं ये। इनकी आज तक सरकार से कोई भी योजना के तहत काम नहीं हो पाया है। मेरी सरकार से यही गुजारिश रहेगी, यही मांग रहेगी, क्योंकि इनके मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनवाने की कृपा करें, क्योंकि योगी जी कहते हैं, मुख्यमंत्री हमारे या प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा कहा जाता है सबका साथ सबका विकास, इनका अभी तक कोई विकास नहीं हुआ है। सरकार से यही मांग रहेगी मेरी, या तो किसी विधायक निधि से, या सांसद निधि से, या प्रधान निधि से, किसी से भी, या प्रमुख निधि से इनका आवास बनाने की कृपा करें। मैं इनके हस्बैंड से बात करेंगे। क्या नाम है जी आपका? सलामत। क्या क्या परेशानी है आपको? साफ परेशानी यही है, घर बना हुआ नहीं है और अब मजदूरी हो नहीं पाती, बुढ़ापे की हालत है, अब गुजर करें या घर बनाना ये है। कितने बच्चे हैं आपके पास? बच्चे हमारे पास 4 हैं। कुछ काम करते हैं? क्या करते हैं? अभी कुछ नहीं करते, छोटे छोटे। इनके गुजर बसर के लिए परेशानी है, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये कुछ कर भी नहीं पाते, इनकी बीबी जो है विकलांग है, ये बीमार रहते हैं, छोटे बच्चे हैं, कोई सहारा नहीं है इनके पास। सरकार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगली खबर के साथ फिर मिलेंगे सच्चाई के साथ। थैंक यू।